नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या ह्यूमनिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो संबंधित है ग्रामीण आजीविका मिशन से। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भेजा गया प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष ग्राम विकास विभाग के अफसरों ने पिछले दिनों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रस्तुतीकरण किया गया है। अफसरों ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत 3.30 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और सामाजिक निवेश फंड के तहत 15,000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। प्रत्येक समूह में महिलाओं की संख्या 10 से 12 तक होती है। वर्ष 2023-22 और 23 में 2 लाख समूहों को रिवॉल्विंग फंड और 1.19 लाख समूहों को सामुदायिक निवेश फंड देने की तैयारी है। इसी तरह से आजीविका मिशन ने इस वर्ष 600 ग्राम संगठनों को कृषि को बढ़ावा देने के लिए उपकरण भी दिए जाने का लक्ष्य तय किया है। 2 लाख नए सहायता समूहों का किया जाएगा गठन। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक भानुचंद गोस्वामी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख नए सहायता स्वयं सहायता समूह के गठन का लक्ष्य रखा है। इन नए समूहों के गठन से करीब 24 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ने की तैयारी है। समूहों में जुड़ने वाली महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में सहायता की जाएगी। नए समूहों के गठन की कार्य योजना केंद्र सरकार को भेजी गई है। स्वीकृति मिलने के साथ ही इस योजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं को सहायता के लिए खोले जाएंगे सुविधा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं की सहायता के लिए सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में करीब 90 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं। इनमें से 80 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयों में स्थापित है जो कि होम एंड कार्टेज उद्योग के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। इन उद्योगों में महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्यमों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के पहले चरण में 200 विकास खंड में महिलाएं सामान्य सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर प्रशिक्षण, सामान्य उत्पादन और प्रसंस्करण, तकनीकी अनुसंधान और विकास, पैकेजिंग, लेबलिंग, बारकोडिंग सुविधा, अन्य सुविधाएं जैसी उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक सुविधा केंद्र का 90% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही सामर्थ योजना। जी हाँ दोस्तों, यूपी में सामर्थ योजना चलाई जा रही है। यूपी सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ योजना चलाई जा रही है। यह योजना 22 फरवरी 2021 से शुरू की गई है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का उत्थान तथा सशक्तिकरण करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और इससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह मेरी जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सबके पास यह योजना की जानकारी पहुंच सके और सब इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।